अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसी तबीयत है? उम्मीद करते हैं कि सब के सब खैरियत से होंगे। ये बाबा हैं, ये अब्दुल्ला है और ये अब्दुल हादी है, और अब्दुल्ला के बाबा हैं बेगानी शादी में दीवाने, बल्कि अब्दुल्ला उससे ज़्यादा दीवाना है क्योंकि अब्दुल्ला मुझसे भी ज़्यादा ज़िद करके आया है। तो अब हम जा रहे हैं शादी खाना आबादी पर, देखते हैं कि अंदर दुल्हन अब्दुल हादी जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ देख कर ही हैप्पी हो रहा है। तो चले चलते हैं अंदर, क्या है। चलो अब्दुल्ला चले, धूप बहुत तेज है, तो चले चले चलो। तो अब्दुल्ला और अब्दुल हादी, यहाँ पर कुछ बच्चे आ रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं कहीं खाना खोल तो नहीं गया। सितारा इवेंट कम्प्लेक्स नहीं बल्कि सितारा शादी हाल नहीं आने हो, रोटी तो नहीं खोल गई? रोटी सच्ची रोटी खोल दे शफीक अहमद। चले, बच्चों ने बताया कि खाना खुल चुका है, जल्दी करो जल्दी, ऐसा ना हो कि हमारे जाने से पहले खाना खत्म हो जाए। चलो 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 चलो। आदि कह रहा है कि उसे पार्क में बैठना है, लेकिन यहाँ का जो पार्क है वहाँ पर बैठने के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई जगह है। यहाँ पर शदीद गर्मी है, रिक्शा वो उस खुली वाली साइड से आया होगा, वहाँ सीस, यहाँ तो बहुत तेज़ धूप, उसके बतखे नहीं हैं वो, मुझे तो मुर्गियाँ लग रही हैं, है ना? वो भी एक हर, काफ़ी गर्मी है और ना ही झूलों के ऊपर जगह है। और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसी चला होगा सितारा शादी हॉल के अंदर, क्या हमें कोई मिल पाएगा जाने वाला या फिर नहीं। यहाँ पर लिखा है सिवर ख़वातीन के लिए और यहाँ पर मर्दों के लिए नहीं लिखा, फिर भी अंदर घुसने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या करना है। ओ माई गॉड, जून की तपती हुई गर्मी है। ये ज़बरदस्त किस्म का खाना खुल चुका है और तमाम अफराद खाने पर टूट चुके हैं। हम लेट आए हैं इसीलिए हमें भी बड़ी मेहनत से यहाँ पर जगह दस्तयाब हुई है। ये देखिए, सब ने यहाँ पर कोरमा, बिरयानी, मटन, चिकन, हर चीज़ों को दाव पर लगा दिया है। सब खाने में मसरूफ़ अमल है, जबकि मेरे न्याने यहाँ पर भी मुंह आड़ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, सब ने गहमा गहमी और चहमा चहमी और खाने के ऊपर तो ऐसे टूट चुके हैं कि जैसे यहाँ पर दुश्मन की फ़ौज के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज हमला कर देती है। जी हाँ, ये देखिए, अब्दुल हादी अभी भी अटवाटी खटवाटी लिए पड़ा है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है खाना यहाँ पर दस्तयाब है। और उसके बाद यहाँ पर बीफ है, चिकन है, चावल हैं, मीठे के अंदर यहाँ पर रशियन सैलड भी आपको नज़र आ सकता है। और ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का खाना, वाह कमाल, कोरमा, उसके बाद रशियन सैलड, उसके बाद यहाँ पर जो है चिकन फ्राई, और उसके बाद क्या है पुलाव, और उसके बाद कस्टर्ड, और ये सारी चीज़ें खाने के बाद का अंजाम। खाना तो हमने खा लिया, लेकिन बच्चों की चीज़ा अपनी जगह रही। मुन्ने भाई, मुन्नू भाई के मुन्ने भाई, और यहाँ पर सब लोग दूल्हे के साथ हैं और मैंने दूल्हे के साथ अभी तक सेल्फ़ी भी नहीं ले सका क्योंकि लेट आने की वजह से खाना शुरू हो चुका था। अब क्या मुझे दूल्हे के पास जगह मिल पाएगी? चलो मैं भी इस रश के अंदर घुस घुस जाता हूँ। चलें तो चलें, अब हम चलते हैं दूल्हे मियाँ को शादी की शुभकामनाएँ देने के लिए। तमाम अफराद खाना खाकर पतली गली से नहीं बल्कि खुली गली से निकल चुके हैं, बल्कि निकल रहे हैं। और कुछ बचे कुचे अफराद दूल्हे के साथ अपनी जो है इजहार हमदर्दी पेश कर रहे हैं। हमने भी मौके से फ़ायदा उठाया, दूल्हे की एक तो तस्वीर बनाई और उसके बाद दूल्हे मियाँ को यानी कि दानिश भाई को हमने शादी की शुभकामनाएँ फ्राहम कर दी। और मैंने दोबारा से दूल्हे की शादी की तो चलें, अब चलते हैं काउंटर की तरफ जहाँ पर हम जमा करवाएंगे खाने का बिल। तो चलें मेरे साथ, चलो आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो पहले खजाना तो जमा, बिल तो जमा करें। इमरान भाई, हम कितने साल बाद मिल रहे? पहले दादे मेरे शायद 15 साल बाद इमरान भाई मिल रहे हैं। इमरान भाई से ये कहना था कि यार तू आपकी शादी तो मैंने सदिया नहीं है, एक दी की गल हो। इमरान भाई ने आज से 20-30 साल पहले शादी कर ली, अब माशाल्लाह इमरान भाई के 4-5-6-7 बच्चे हो गए, और तू कह नहीं जाना यार तू बढ़िया पास इतने लिखे खवातीन के लिए, तू इधर पास बढ़े यार देख ले। अकमल सईद अगर आप देख रहे हैं तो पता देखे जरा, इमरान के काम खवातीन वाली साइड पर घुसा हुआ ये बंदा। घंटे से बुला रहा हूँ मैं इसको, मैं कितने गया कितने गया कितने गया, तो हम बड़ी मुश्किल ना लिया, तो मैं चलो सेल्फी लेवा पतली गली से सेल्फी था कि हाँ जी हम हाल से बाहर आ चुके हैं। ये हाल से बाहर का नज़ारा है, बच्चे अभी झूलों की तरफ जाने की जिद फरमा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं झूले। अब्दुल्ला और अब्दुल हादी को यही जिद थी, बल्कि सिर्फ अब्दुल हादी को ये जिद थी कि यहाँ पर झूले लेना चाहते हैं। इधर इधर इधर, ओ
और फिर अब्दुल्हादी की जिद पर अब्दुल्हादी झूले पर बैठ चुका है, लेकिन इतना डर रहा है क्योंकि झूला जमीन से बहुत ऊपर है। और उसके बाद बच्चों के झूले के ऊपर बैठकर मैंने भी सोचा कि एक दो झूला ले ही लूँ, और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। और अब हम चलते हैं आगे, जल्दी से दो तीन झूले लिए हैं और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ सितारा शादी हॉल के बैरूनी मनाजिर। क्या किधर जाओ, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। और अब लगता है जाने का समय आ चुका है। सितारा शादी हॉल को हमने कहा है खुदा हाफिज़ और टाटा बाय बाय।